वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल यंग पार्टी 07। सो गाइस, मौसम देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा कोहरा लगा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और डिलीवरी मैन जेरीखाल में हमारा वेट कर रहा है, कब से फोन कर रहा है कि भाई आ जाओ, और बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं निकल नहीं पाया। तब से बाल भी देखो कैसे उड़ रहे हैं, इधर से उधर खराब हो चुके हैं। सो अभी फटाफट से मार्केट पहुंचते हैं और जो सामान मंगाया है, हमने ऑर्डर कराया, उसको लेके वापस घर आते हैं जल्दी से। बारिश क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज होने लग गई। अब गाइस फाइनली हमारा सामान आ चुका है। गाइस मौसम देखिए कितना तगड़ा मौसम हो रखा है, जेरीखाल का कोहरा ही कोहरा छा रहा है। मैंने आपको बताया मेरा सामान पहुंच चुका है और अभी मैं हूं बैंक में, मेरा दोस्त अंदर कुछ काम करवा रहा है बैंक में। सो मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था लेकिन वो धीरे धीरे करके आ रहा है, मतलब कुछ आइटम आ जाए, कुछ आइटम कल आएंगे, कुछ आइटम परसों। तो मैं चाह रहा था कि एक ही दिन सब आ जाए, तो एक ही दिन मैं अनबॉक्सिंग करके आपके लिए सब आपको दिखा दूं। लेकिन आज कैमरा स्टैंड और खाली एक रियलमी का ट्राइपॉड ही आया है, बाकी आइटम अब देखते हैं कब आता है, कल परसों अलग अलग डेट में आएगा। और मार्केट में भी देखो बारिश भी कुछ पता नहीं है, बारिश भी तेज होने वाली है, तो घर के लिए प्रस्थान करना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाए थे अपने लिए, सो उनमें से एक है ये रियलमी का, देख सकते हैं आप, रियलमी सेल्फी ट्राईपॉड। और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो मेरा पुराना ट्राईपॉड था ये टूट गया था। ये देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी मुझे, और ये जगह जगह से यहाँ से निकल भी जाता है खुद ही, इतना वेट भी झेल नहीं पाता। और बात करें अगर कैमरे की, DSLR वगैरह की, तो ये उसका वेट तो बिल्कुल भी नहीं झेल पाता। और फ़ोन तो ज़्यादा हैवी होगा वो भी इसमें टिक नहीं पाता। ये देखो यहाँ से टूट गया है ये, सो मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। अब इसको मैंने चेंज करके अपने लिए दूसरा ट्राईपॉड मंगाया जो कि है रियलमी का। और इसकी अगर मैं आपको क्वालिटी बताऊँ तो अभी देखो आप इसकी, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स। इसको देखते हैं खोल के, और मुझसे सब्र तो हो नहीं रहा था तो मैंने रास्ते में ही खोल दिया था ये। देखो अब इसे देखते हैं ओपन करके कि कैसा है ये अपना रियलमी का सेल्फी ट्राईपॉड। ओ देखिए दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है इसकी। और ये देखो यहां से नीचे से ये ऐसे ट्राईपॉड भी बन जाता है लाइक दिस। अब अगर आपको कहीं पे रख के कुछ शूट करना है तो आप ऐसे ऐसे रख के शूट कर सकते हैं बढ़िया करके। और साथ ही साथ इसमें देखिए रिमोट भी दे रखा है ये रियलमी ने, ये रिमोट आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे और अगर आप ये निकाल के पोर्टेबल है, कहीं भी रख सकते हो, जेब में रख सकते हो। जैसे आपने अगर ये ऐसे खींच के ऐसे लंबा कर दिया है और आपको कोई शूट करना है या आपको फोटो लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो रिमोट है उसको यहीं से अपने हाथ से क्लिक करके फोटो ले सकते हैं बढ़िया करके। तो देखो ये ट्राईपॉड 2-in-1 है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये देखो इसमें यहाँ पे फ़ोन माउंट होने का, फ़ोन बढ़िया करके यहाँ पे माउंट हो जाएगा बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ। और साथ ही साथ ये बन जाता है हमारा ट्राईपॉड भी, इसको अगर ऐसे नीचे कर देंगे तो ये हमारा ट्राईपॉड बन जाएगा और इसको ऐसे करके हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो गाइज ये तो था अपना रियलमी का सेल्फी ट्राईपॉड जो कि आया मेरा 1200 रुपीज़ का, अमेजोन से मैंने ऑर्डर करवाया है। सो कीमत बिल्कुल डिफाइन कर रही है इसको जितना इसका प्राइस है, वैसे ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी है। सो गाइज नेक्स्ट जो चीज़ मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो भी एक ट्राईपॉड ही है जो कि मैंने स्पेशली DSLR के लिए मंगाया है, क्योंकि कभी कभी शूट करना पड़ जाता है ऐसा कि जिसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है काफ़ी टाइम तक, तो उसके लिए मैंने ये सोचा क्यों ना ये ट्राईपॉड मंगा जाए। तो आइए इसकी भी अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से। सो मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें जो भी मैंने मंगाई थी वो एक ही दिन उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो शायद कार्ट में
ऐड मैंने करी नहीं एक साथ, तो ये अलग अलग दिन आ रही है। जैसे ये दोनों ट्राईपॉड मेरे, ये देखो ये दोनों ट्राईपॉड जैसे मेरे आज आ गए, अब कुछ चीज़ें कल आएंगी, कुछ परसों आएंगी। सो ये है अपना ट्राईपॉड जो कि अपना है डिजिटेक कंपनी से, ये ट्राईपॉड मैंने ऑर्डर करवाया है जो कि बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और अब इसे करेंगे हम फटाफट से अनबॉक्स, देखेंगे कैसा है ये दिखने में। ये अपनी चाबी है बाइक की, अपनी रॉकेट की चाबी, इसी से हम इसे अनबॉक्स करेंगे, देखते हैं कि ये हमारी आगे कितनी हेल्प कर सकता है। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं फटाफट से इसे कर देते हैं अनबॉक्स। लगता है अनबॉक्सिंग करने के लिए भी एक अलग से नाइफ ऑर्डर करवानी पड़ेगी मुझे अमेजोन से, क्योंकि चाबी से तो उतना जल्दी हो नहीं रही। लगता है इसकी अब चीर फाड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे तो ये होगा नहीं, चीर फाड़ी करनी पड़ेगी। ये हो चुका है खुलने के लिए रेडी बिल्कुल, इसे खोलिए इसे देखते हैं कैसा है। ओह गाइस दिस लुक रियली, ऐसा लग रहा है कि मतलब जो पैसे खर्च करें इसमें वो पूरे वसूल हो चुके हैं। मतलब देखो पूरा प्रॉपर बैग के साथ इसकी पैकिंग है, बाहर से बैग भी दिया हुआ है इन्होंने प्रॉपर डिजिटेक ने, तो बहुत ही दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं इसको खोल के, इसके अंदर ट्राईपॉड जो है हमारा वो कैसा है। बैग को साइड में रख देंगे। सो गाइस हैवी तो बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब पकड़ने से ही लग रहा है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और स्टेबिलिटी भी रहेगा। ये सो गाइस अब बारी है इस ट्राईपॉड को चेक करने की बारी है। और अपने पास कोई गेमिंग चेयर तो है नहीं, अपने पास सिंपल सी एक चेयर है अपनी राजा महाराजा वाली, अपन इसमें अनबॉक्सिंग करेगा अभी। सो अभी चलते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो अभी इसकी हाइट देखते हैं, हाइट इतनी तो बहुत ही बढ़िया इसकी हाइट है, और अभी और एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं इसकी हाइट कहाँ तक है। इसको टेस्ट करने की बारी आ चुकी है दोस्तों, देखिए हाइट भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है इसकी हाइट, ये देखो। तो ये है गाइस इसकी हाइट, और भी ज़्यादा ये ऊपर हो सकता है, लेकिन अभी मैंने इतना ही करा है, इसमें क्लिपिंग कर देता हूँ इसकी। सो ये है गाइस फाइनल, जो अपना ट्राईपॉड ऐसे दिखेगा। सो अभी इसमें क्या करते हैं, हम कैमरा अटैच करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा सूट करता है, कितनी स्टेबिलिटी है, चेक करते हैं आइए। सो गाइस अभी कमरा खाली खाली सा है, मैंने कोई भी डेकोरेशन करा नहीं, आप देख सकते हैं खाली खाली सा है, लेकिन कुछ दिनों में आपको ये बहुत ही अलग दिखेगा ये रूम, क्योंकि मैंने जो सामान ऑर्डर करवाया था वो धीरे धीरे करके पहुंच रहा है। जैसे दो आइटम आज पहुंचे, तो दो आइटम कल परसों, तो दो तीन दिन में सारा सामान आ जाएगा मेरा। उसके बाद कमरा जो है वो कुछ ज़्यादा ही अलग अलग हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, पहले कैमरे को इसमें अटैच करते हैं और देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है इससे, कैसे शूट हो रहा है। सो इसको पहले इसको निकालेंगे हम, अपन देखता है इसके अंदर बैटरी है या नहीं, बैटरी नहीं लगी तो इसमें पहले बैटरी लगा देंगे। सो ये बैटरी इसमें लगा देते हैं पहले, और लग चुकी है बैटरी, और अभी ये कर देते हैं इसमें आराम से अटैच। पहले इसको निकाल ही देते हैं ऐसे करके ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना गाइस इसमें, पहले इसको निकाल देते हैं। ये हमने निकाला और ये देखो निकल चुका है इसमें, अब कैमरा अटैच करूँगा मैं ऐसे में।
तो ये बढ़िया करके लग चुका है दोस्तों, बिल्कुल टाइट हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है अब इसका गिरने का। और अभी से मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और इसके बाद ये स्क्रू लगा देता हूँ इसका। सो ये अटैच हो चुका है गाइज, अभी इसे करते हैं ऑन और देखते हैं इससे कैसी वीडियो शूट हो रही है। सो गाइज अभी मैं वीडियो शूट करता हूँ, देखो सामने मैंने ये अपना फोन रखा हुआ है, ये देखो। तो गाइस अभी मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट, इसको कर देते हैं टाइट ताकि ये हिले ना। सो गाइस अभी हो चुका है मेरा कैमरा बिल्कुल सेट और अभी देखो मैं इससे एक क्लिप बनाऊंगा आपके लिए, वो मैं वीडियो में डालूंगा। सो एक क्लिप चुकी है अपन की स्टार्ट, ये देखो एक क्लिप बनना स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ये। और इसे अगर मैं अप डाउन करूँगा हल्के हल्के, इसको अगर आप डाउन करने करेंगे हम, ये देखो ऐसे करके आप इससे बढ़िया सिनेमैटिक्स ले सकते हैं। देखो आराम से, कितना आराम से नीचे जा रहा है ये, ये देखो ये देखो ये देखो। और यही मैं इसे यहाँ से ऊपर लाऊंगा अगर धीरे धीरे, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा हमको, ये देखिए इस तरीके से कुछ हमें दिखेगा। सो ये अपन, ये देखो कितना स्टेबल है ये, ये देखो ये कितना आराम से घूम जा रहा है, देखो ऊपर नीचे, आपको जिस डायरेक्शन में शूट करना है उस डायरेक्शन में आप ऐसे छोड़ दो उसे एंगल लेके, और ये अपना शूट करता रहेगा। क्यों देखो जैसे यहाँ पे शूट हो रहा है, सामने मेरा फ़ोन है और जो मैंने मंगाया था ट्राईपॉड उसी में मैंने अपना फ़ोन लगाया है, उसी से मैं अपनी व्लॉगिंग करूँगा पूरी। सो एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, चल इस रियल मी के ट्राईपॉड में ही इसको कर लेते हैं। ये है अपन का रियल मी का ट्राईपॉड, देखो इसको हम अगर आराम से अगर आपको दिखाएंगे तो ये देखो कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल है, मतलब अच्छे से अच्छी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी इसमें। सो गाइज ये था आज अपन अपना अनबॉक्सिंग रियलमी सेल्फी ट्राईपॉड की, और ये अपना डिजीटेक का जो ट्राईपॉड है हमने मंगाया हुआ, इसका मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, डिजीटेक DTR 550 LW, ये इसका मॉडल है। सो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में और भी चीज़ें हैं जो मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, और ये जो रूम अभी आप देख रहे हैं ऐसा वो ऐसा नहीं रहेगा अगले व्लॉग में, बिल्कुल ही चेंज होने वाला है सब कुछ। सो गाइज ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।